इटावा के थाना भरतना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुवरा के भरतना बकेवर मार्ग स्थित मालगाड़ी रेलवे लाइन किनारे कुछ नामजद दबंगों और उनके कुछ अज्ञात दबंग साथियों ने वर्षों से खड़ी एक भवन की बाउंड्री वाल बेलचा फावड़ा हथौड़ा आदि के हमलों से उस समय तोड़ना शुरू कर दी जब भवन स्वामी मौके से बाहर था। बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा एक पंडाल लगाकर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा था। उस आयोजन के लिए किसान नेताओं ने पूर्व में ही प्रशासन को सौंपे गए एक ज्ञापन में अल्टीमेटम दिया जा चुका था, जिसके तहत पंचायत का आयोजन किया गया था। किसी वाद विवाद की स्थिति को भांपते हुए भरतना पुलिस ने भी सुरक्षा के चलते पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। बावजूद इसके पंचायत में मौजूद कुछ दबंगों ने यहां मौजूद पुलिस जवानों के सामने ही माननीय न्यायालय में विचाराधीन विवादित भवन की बाउंड्री वाल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसी उच्च स्तरीय शिकायत पर भरतना पुलिस प्रशासन हरकत में आया और विवादित भवन को तोड़फोड़ करने वाले कुछ दबंगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच किसान नेताओं ने पंचायत के समापन पर उक्त विवादित भवन सहित कई अन्य मांगों वाला एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंप कर कार्यवाही की गुहार लगाई है। आज हमारी किसान पंचायत थी यहाँ पर, तो हमने पहले किस जगह थी भैया? कुंवरा में थी, आरा मशीन के सामने। तो हमने आज के 21 तारीख को हमने एक ज्ञापन दिया था जिला अधिकारी के नाम तहसीलदार भरतना को। उस दिन SDM थे नहीं, तो तहसीलदार भरतना को हमने बता भी दिया था कि आप इसमें पाँच दिन का समय है, अगर 5 दिन तक आप लोग इस मामले को नहीं निपटाते हैं तो किसान यूनियन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी एवं अपना कार्यक्रम करेगी। फिर भी हमें किसी अधिकारी ने 5 दिन तक कोई हमें अवगत नहीं कराया और किसी अधिकारी ने कोई हमें जानकारी नहीं दी, इसलिए हमारा आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन था। हमने अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और इसमें उस राम नरेश यादव ने उसमें एक गोली भी चलाई, फायरिंग भी करी वहाँ पर उन्होंने। तो इसमें उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था कि लगभग 8-9 किसानों का, 8-9 किसानों का अवैध कब्जा कर रखा था। वो किसान अपनी जगह तोड़ रहे थे और इसी में हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया और नायब तहसीलदार को हमने ज्ञापन दिया था। विद्यालय के लिए निकल गया और उस समय यहाँ पर एक जो एक जगह है सरवाया 618 नंबर और 619 नंबर जी, जो मेरी निजी पैतृक जमीन है, पैतृक जो हमारी 20 साल से हमारी है और उसमें 4-5 साल पहले हमने एक उसकी बाउंड्री वाल का निर्माण कराया, गेट रखा, उसमें कमरा बना हुआ है जिसमें एक विपिन चौहान करके कथित किसान यूनियन नेता, जिनका मैं अगर सर अपने हिसाब से कहें, क्योंकि ये कई एक बार इन्होंने इस तरह से मसले आते रहते हैं, उनकी दलाली करने का काम है, एक धमकी देने का काम है, इनके द्वारा एक फर्जी किसान यूनियन जिसमें जो बादी हैं रविंदर सिंह, गंभीर सिंह, रामवीर सिंह और जे लोग, इनके साथ लेकर के प्रशासन को गुमराह इन्होंने किया कि हम एक किसान यूनियन की मीटिंग करेंगे, हो सकता परमिशन है या नहीं मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने उसी जगह पर आकर के रोड के किनारे अपना टेंट वगैरह लगाया और अपना वो मीटिंग उसकी तैयारी प्री प्लान पहले से थी, तो उसको अपना फावड़ा जो हथौड़ा और गहन वगैरह ये सारी लेकर के वो पैसे बेलचा वगैरह कल आए हुए थे। और इन्होंने उस मीटिंग के बाद या जो कुछ मीटिंग के प्रारंभ कर दिया हमारे पास, सर मैं कॉलेज में था, मेरे पास फोन आया और जबकि प्रशासन के अधिकारी पुलिस वाले सारे लोग वहां पर मौजूद थे। और इसी प्रकरण में सर ऐसा है कि हम आपको संज्ञान में लाना चाहेंगे कि इन्होंने 28 फरवरी को एक बार इसी इन्हीं किसान यूनियन के कथित नेता विपिन जी द्वारा ऐसा करवाया गया, हमको धमकी दी गई जान से मारने की, जिसकी मैंने शासन प्रशासन को भी लिख के दिया है, उसकी FIR के लिए किया मैंने, ऊपर CM तक उसको लिखा है। और उन्होंने वो इनका एक ही काम है जैसा दलाली करवाना और प्रशासन से मिल करके और लोगों को परेशान करना, और इन्होंने आकर के वो गिरवा दिया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।